So other than acting, you also worked as an assistant casting director with anti casting, and also you have done casting for feature films like Tejas, starring Kangna Ranaut, and Jadugar starring Jitendra and Javed Jafri. तो एक्चुअल में आपकी मतलब एग्जैक्टली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? तो इसके मेन जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो तो जो मेरे बॉस हैं एंटी कास्टिंग में, वैभव सर है, वैभव विशांत सर। बट मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होता है कि जब प्रोजेक्ट मिल जाता है हमारी कंपनी को, तो फिर वो प्रोजेक्ट को उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी फिल्म की, फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ फिल्म है और उसमें मान लो 25 कैरेक्टर्स हैं, तो वो 25 कैरेक्टर्स हमें प्रोवाइड कराने हैं उनको, और जो डायरेक्टर का ब्रीफ है, डायरेक्टर का ब्रीफ को अच्छे से समझो। तो डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होती है, हम ब्रीफ समझते हैं, और फिर बेसिकली अगर डायरेक्टर के पास इतना टाइम होता कि वो खुद ही एक्टरों को मिल मिल के अपने रोल के लिए कास्ट कर लेता तो वो खुद ही कर लेता, लेकिन डायरेक्टर्स के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो कास्टिंग कर सके। पहले डायरेक्टर खुद ही कास्ट किया करते थे पहले के जमाने में, बट फिर ये अभी वो आ गया है कि अगर डायरेक्टर अच्छे से उसके दिमाग में विजन क्या है वो अगर एक दूसरे बंदे को समझा दे कि मुझे ऐसे ऐसे लोग चाहिए, ऐसे ऐसे कैरेक्टर चाहिए, और वो दूसरा बंदा अगर करके दे सकता है तो डायरेक्टर कैन मोर फोकस ऑन डेवलपिंग द फिल्म इन अ बेटर वे। मतलब वो प्रोडक्शन के बारे में सोच सकता है कि मैं फिल्म को जब बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, और क्रिएटिविटी के बारे में सोच सकता है कि मेरा ये सीन कैसा लगना चाहिए, इमोशंस कैसे बहने चाहिए सीन्स में। तो बेसिकली स्क्रिप्ट पे ज्यादा ध्यान दे सकता है रादर देन लोग ढूंढने के बजाय, इसीलिए फिर कास्टिंग वाले इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि तो वो लोग एक्चुअल डायरेक्टर का विजन को समझ के लोग ढूंढते हैं, और फिर कुछ इनिशियली समझने के लिए कुछ हिट एंड ट्रायल होता है, और फिर जब समझ में आ जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टर की विजन के हिसाब से लोग ढूंढ के उनको ऑडिशन करते हैं, डायरेक्टर को दिखाते हैं, डायरेक्टर को अगर पसंद आता है तो वो एक्टर लॉक हो जाता है उस पार्ट के लिए और वो फिल्म कर लेता है।